और अब यहाँ पर एक घंटा 20 मिनट डिले आई है। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। सो आज अपनी जर्नी होने वाली है, ट्रेन नंबर है 04645 जैसलमेर जम्मू तवी शालीमार स्पेशल एक्सप्रेस, जो कि वीक में 4 दिन जैसलमेर से और जम्मू तवी के बीच चलती है। पर अपनी जर्नी आज होने वाली है जोधपुर से जयपुर तक। तो ये आपको बता दूँ कि ये आपको जोधपुर से मिलेगी संडे, ट्यूजडे, थर्सडे और फ्राइडे को। यदि मैं इस ट्रेन के टाइमिंग की बात करूँ तो ये जोधपुर से रवाना होती है 4:25 पर और आपको जयपुर पहुँचाती है सुबह के 10:30 पर। सो इस ट्रेन से हम डिस्टेंस कवर करने वाले हैं 310 किलोमीटर का, और 310 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में ये समय लेती है 5 घंटे 55 मिनट, यानी 6 घंटे का समय लेती है ये जोधपुर से और जयपुर तक का। और जोधपुर से और जयपुर तक के इसके 4 स्टॉप है, रायकाबाग पहली जंक्शन, सेकेंड है मेरता रोड, थर्ड है मकराना और फोर्थ है फुलेरा जंक्शन। सो गाइज, ज़्यादा ट्रेन के स्टॉप नहीं है, पर रास्ते में रूट पे क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा होगी, ओवरटेक भी देखने को मिलेंगे, तो इस कारण से मैंने ये जर्नी आपके लिए फिर से कवर कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे इससे बढ़िया तो मंदोर एक्सप्रेस में कर लेते। मैंने मंदोर एक्सप्रेस में ही टिकट बुक किया था, वो कन्फर्म नहीं हो पाया, जिससे हमारी जर्नी आज नहीं हो पा रही। वैसे मैं मंदोर एक्सप्रेस के कारण ही मैं जर्नी कवर कर रहा था ये जोधपुर से और जयपुर तक, वेटिंग लिस्ट में था, वो वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं हो पाया टिकट, तो जिसके कारण मैंने ये टिकट बुक किया है एंड टू एंड। करीबन मैंने ये किया था कल 7 बजे के आसपास, तो ये भी वेटिंग लिस्ट में था, पर इसकी वेटिंग लिस्ट थी 3, तो ये कंफर्म हो गई। पर मंदोर एक्सप्रेस में 7 वेटिंग लिस्ट थी, वो कंफर्म हो नहीं पाई। कोई नहीं गाइज, अब एक बार फिर से जर्नी देख लीजिए। आपको इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में और ट्रेवलिंग के बारे में मॉर्निंग में दिखाएंगे, और गाइज आपको फिर से एक बार जर्नी शालीमार एक्सप्रेस में देखने को मिलेगी। मैंने वो आपको यूट्यूब पे कम्युनिटी पे बोला भी था कि जर्नी कवर करनी है या नहीं, आप समझ नहीं पाए मैं क्या कहना चाह रहा था। कि मैं बोल रहा था कि मैं मंदोर एक्सप्रेस में ही जर्नी कवर करता, मैंने आपको बता दिया टिकट कंफर्म ना होने के कारण इसमें जर्नी करनी पड़ रही है गाइज जोधपुर से। वैसे मैं इसमें जर्नी कवर करने के लिए नहीं आया था यहाँ पर। कोई नहीं गाइज, जो किस्मत में होता है वही मिलता है, ये है। वैसे पिछली बार अपने शालीमार एक्सप्रेस में जर्नी कवर की थी जनरल कोच में, अब के स्लीपर कोच में जर्नी कवर कर रहे हैं। कोच है S1, सीट नंबर है 56 साइड अपर। अराइवल के टाइम मिलेंगे गाइज, और तो गाइस आप देख सकते हो सामने WDP4T लोकोमोटिव आया है तुगलकाबाद का। आपको लोकोमोटिव भी दिखा दिया है, और अभी इसका लोकोमोटिव चेंज होगा। अभी जिस साइड से हम आए, मतलब जिस साइड से ये ट्रेन आई है उस साइड ही ये वापस जाएगी, क्योंकि रायकाबाग से इसका लाइन डाइवर्ट होता है। तो पर अपन रायकाबाग पहली जंक्शन कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बार कवर कर रखा है रेलवे स्टेशन रायकाबाग पहली जंक्शन। अब आपको या मेरता रोड या जहाँ भी अपनी आँख खुलेगी वहाँ पर मिलेंगे। अब अपन सोते हैं और यहाँ से डिपार्ट आपको दिखाने के बाद, उसके बाद आपको जहाँ आँख खुलेगी वहाँ आपसे बात करेंगे बात। और गाइज मैं स्टेशन भी कवर कर लेता, और बाई चांस ये मैं वो मंदोर एक्सप्रेस में जर्नी कवर करते ना, तो सभी स्टेशन कवर करता मैं। अब बिल्कुल मतलब जो मन मना के आए थे ना जर्नी का, वो मन अब नहीं रहा, आपको सही बात बता दूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जर्नी कवर कर रखी है ओनली खाली स्लीपर में अब जर्नी कर रहे हैं, पिछली बार जर्नल में थी वैसे। तो अब जो
गुस्सा था ना अपना, वो अब नहीं रहा ये मान लो। तो करते हैं आपसे बात, तो मिलेंगे अब आपको डिपार्चर के टाइम, और आपको जहाँ पर भी आँख खुलेगी वहाँ आप करेंगे बात।
गाइस अब हम आ चुके हैं अपना तीसरा होल्ट मकराना, जिसका स्टेशन कोड है MKN। यहाँ पर इस ट्रेन का 3 मिनट का स्टॉप है। ट्रेन ऑलरेडी 1.5 घंटा डिले हो चुकी है, किस कारण से, क्योंकि अब हो चुका है अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव फेल, पावर फेल हो चुका है इस ट्रेन का। चलो कोई नहीं, मैं बता दूं कि यहाँ पे कोविड से पहले 108 ट्रेनें होल्ड करती थी, एक ट्रेन ओरिजिनल टर्मिनेट होती थी पहले, अभी फिलहाल 54 ट्रेनें यहाँ पे होल्ड करती है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है और यहाँ ये है जंक्शन, क्योंकि यहाँ से लाइन डाइवर्ट होती है, एक तो जोधपुर जयपुर मेन लाइन और एक यहाँ से लाइन होती है डाइवर्ट परवेश्वर के लिए। वैसे गाइज मैं बता दूं कि अभी फिलहाल ये 1.5 घंटा डिले हो चुकी है, अब किस कारण से मैंने आपको बता दिया है कि अपने ट्रेन का जो WDV4B लोकोमोटिव है उसका पावर फेल हो चुका है। अब देखते हैं कितने देर और यहाँ पे रुकती है ट्रेन अपनी, अभी कोई आइडिया है नहीं कि कितने देर यहाँ पे इसका और स्टॉप रहेगा, फिलहाल तो डिले चल रही है ट्रेन। चलो तो चलते हैं, देखते हैं क्या रहा और आपको बताते हैं कि लोकोमोटिव का चेंज होगा कि क्या होगा, लोकोमोटिव मतलब और ज्वाइंट किया जाएगा। चलते हैं एक बार लोकोमोटिव के पास। सो गाइस जब आप सामने ये देख रहे हो WDP4B लोकोमोटिव, इसका पावर फेल हो चुका है फिलहाल और ये ऑटोमेटिक ही ये बंद हो चुका है फिलहाल, और अंदर से इसमें आवाज़ आ रही है गियर लगने की ऑटोमेटिक, और इसको स्टार्ट करने पर ये स्टार्ट भी नहीं हो रहा। अब स्टार्ट था उस टाइम इसमें से आवाज़ आ रही थी गियर लगने की ऑटोमेटिक, अब इसको कैसे न कैसे बंद किया गया उसके बाद ये स्टार्ट नहीं हो रहा। करीबन इसको अब 1.5 घंटा ये ट्रेन डिले हो चुकी है शालीमार एक्सप्रेस मकरान रेलवे स्टेशन पर। सो गाइस देखते हैं कितनी देर बाद हमारे लिए शालीमार एक्सप्रेस के लिए लोको आता है और उसके बाद कंबलिंग होता है, तो बने रहिए जर्नी पर और रेगुलर ही करते हैं जर्नी। सो गाइस लोकोमोटिव का पावर फेल हो चुका है और अभी दूसरा लोकोमोटिव मंगाया गया है, अभी देखते हैं कितनी देर में आता है। और गाइस मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि मकराना में सबसे फेमस काम है मार्बल का, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे मार्बल और ये संगमरमर पत्थर का बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। तो अभी देखते हैं कितनी देर में अपना लोको आता है और उसके बाद ये यहाँ पे कंबलिंग होता है, उसके बाद यहाँ से होंगे रवाना। अभी तक फिलहाल ये 2.5 घंटे डिले हो चुकी है अपनी ट्रेन, तो उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे। क्या करें गाइस, मात्र डिले ही होते जा रहे हैं। तो गाइस जब आप देख सकते हो WDG4 लोकोमोटिव अपने में अटैच किया जाएगा कंबलिंग,
सो गाइस इस डब्ल्यू डी पी फोर व्हील लोकोमोटिव को डीकम्प्लीट किया जाएगा, उसके बाद ये डब्ल्यू डी जी फोर लोकोमोटिव शालीमार एक्सप्रेस में कम्प्लिंग किया जाएगा पीछे, क्योंकि इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं पहुँच पा रही, इस कारण से इस लोको को हटाया जा रहा है। जब अपने शालीमार एक्सप्रेस में डब्ल्यू डी जी फोर लोकोमोटिव कम्प्लिंग किया जा रहा है और ये गुड्स ट्रेन का लोकोमोटिव अब अपन को आगे की जर्नी कराएगा, तो चलते हैं गाइस। जब काफ़ी देर हो चुकी है, अब यहाँ पे इसको करीबन ट्रेन को 3 घंटे के आसपास हो चुके हैं, 3 घंटे डिले हो चुके हैं ट्रेन, तो चलते हैं अब इसके डिपार्चर पर, मिलते हैं आपको। सो गाइज जोधपुर से लेकर और फुलेर
भाई जब हम आ चुके हैं फलेरा जंक्शन अपना फोर्थ होल्ट और स्टेशन कोड है FL। कोविड से पहले यहाँ पे 192 ट्रेनें होल्ड करती थी, अभी फिलहाल 86 ट्रेनें होल्ड करती है और 3 ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है अभी। और यहाँ पे नंबर प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो 5 प्लेटफॉर्म है और अपने और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है अपनी ट्रेन। तो गाइस जैसे होते हैं रवाना आप। तो गाइस आप सामने देख सकते हो एक छोटा सा मिरर मिल जाए आपको और ये बेसिंग टैप और पानी भी आ रहा है और नीचे आपको डस्टबिन मिल जाएगा। ये आप देख सकते हो बिल्कुल सही है डस्टबिन फिलहाल तो, और ये आपको हैंगर मिल जाएगा। तो चलते हैं वॉशरूम में। वॉशरूम में आते ही आपको सामने मिरर मिलेगा, मिरर थोड़ा गंदा है आप देख सकते हो और बेसिंग टैप और पानी भी आ रहा है और इसमें आपको डस्टबिन नहीं मिलेगा। ये बहुत काफ़ी बेकार चीज़ है। ये आपको एक LED लाइट विंडो, ये आपको ऊपर हैंगर मिल जाएगा गेट पे। तो वॉशरूम कंडीशन एवरेज है, चलते हैं रेगुलर करते हैं। चलते जब हम आ चुके हैं जयपुर जंक्शन जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे अपनी ट्रेन 2 घंटा डिले पहुँची। अब आपको पता है कि डिले किस कारण से हुई है, वीडियो कंप्लीट देखा होगा तो आपको पता होगा कि लोगों का पावर फेल होने के कारण वहाँ पर मतलब मकराना में 3 घंटा डिले हो गई थी। अभी भी 1 घंटा की कवरिंग कर ली है ट्रेन ने, काफ़ी अच्छा है और जर्नी में काफ़ी मज़ा आ गया मुझे तो। वॉशरूम की साफ़ सफाई और ट्रेन की साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी थी, सही थी, एवरेज बोल सकते हो स्लीपर के हिसाब से। तो जल्दी मिलेंगे एक और जर्नी में, और अभी तक आपने इस जर्नी को लाइक नहीं किया तो किस चीज़ का इंतजार है गाइस, लाइक कर दीजिए। और इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जाएगा आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। मिलेंगे जल्दी एक और न्यू जर्नी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।